आखिर क्यों भगवान शिव ने पांडवों को दिया श्राप, और आखिर किस तरह भगवान शिव के दिए हुए श्राप की वजह से पांडवों को कलयुग में लेना पड़ा दोबारा अवतार यानी कि दोबारा जन्म, आखिर किस घर में और किस राजा के घर में पांडवों ने जन्म लिया, आज की इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। अधर्म के नाश के लिए द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष देखने को मिलता था। सत्य के विजय के लिए अंत में श्री कृष्ण को आना पड़ा, मगर क्या आपको पता है कि द्वापर काल में पांडवों की मृत्यु के बाद उन्होंने कलयुग में दोबारा जन्म लिया था। इस बात का सबूत पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। आज हम आपको इस कथा से रूबरू करवा रहे हैं जिसके अनुसार द्वापर युग के अलावा पांडवों का जन्म कलयुग में भी हुआ था। दोस्तों, इस कथा के बारे में भविष्य पुराण में भी बताया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कौरव हार गए तो उनकी सेना में सिर्फ 3 लोग जीवित बचे थे, एक अश्वत्थामा, दूसरे कृतवर्मा और तीसरे कृपाचार्य। युद्ध समाप्त होने के बाद ये तीनों पांडवों के शिविर में गए। वहां भगवान शिव को देखकर अश्वत्थामा उनसे युद्ध करने लगे। अश्वत्थामा की वीरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर शिव जी से प्राप्त अस्त्रों की सहायता से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जब पांडवों को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने इसे भगवान शिव की ही करनी समझी और उनसे युद्ध करने चले गए। जैसे ही पांडव शिव से युद्ध लड़ने के लिए पहुंचे तब उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिव जी में समा गए। शिव जी ने फिर पांडवों को श्राप दिया कि तुम सभी कृष्ण भगवान जो कि विष्णु के अवतार है उनके उपासक हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इस विषय में बात करने और इसका हल जानने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण के पास वह पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहां और किसके घर जन्म लेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन से पांडवों ने कहां कहां किस राजा के घर में जन्म लिए। दोस्तों, कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहां हुआ। उनका नाम था ब्रह्मानंद। युधिष्ठर वत्सराज नाम के राजा के पुत्र बने और उनका नाम था मलखान। वहीं भीम वीरान के नाम से जन्मे और वह वरणस नाम के राज्य के राजा बने। नकुल का जन्म कान्य कुब्ज के राजा रतन भानु के राज्य में हुआ और उनका नाम था लक्ष्मण। सहदेव का जन्म भीम सिंह नामक राजा के घर में हुआ और वह देव सिंह के नाम से जाने गए। इस तरह पांडवों को कलयुग में जन्म लेकर भगवान शिव का विरोध करने का फल आखिरकार भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास कारण जिनकी वजह से पांडवों को दोबारा कलयुग में जन्म लेना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।